एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दिया है या आपने किसी साइबर कैफे से अपना फॉर्म ऑनलाइन कराया है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है और आप अपने फॉर्म का स्टेटस किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, कहीं आपका फॉर्म पेंडिंग वगैरह तो नहीं है या फिर आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट वगैरह तो नहीं हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, और गूगल क्रोम खोलने के बाद दोस्तों उसमें टाइप करना है ssc.nic.in। दोस्तों जैसे आप इसमें टाइप करेंगे ssc.nic.in, आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने एसएससी की जो मुख्य वेबसाइट है आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक लॉगिन का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में आ जाना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में अपना पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था, अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप इसे फॉरगेट करके अपना पासवर्ड नया जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बारे में आपको वीडियो बाद में बताऊँगा। अगर आपको अपना पासवर्ड निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको फॉरगेट करके आपका पासवर्ड जनरेट करके बताऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें अपना पासवर्ड, और यहाँ से आप ये कैप्चा जो आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपको इसमें सही तरीके से फिल कर देना है। दोस्तों मैं इसमें कैप्चा फिल कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी 95 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर लिया है, और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन। तो दोस्तों इस वाले लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके जो लॉगिन का डैशबोर्ड है, आपका जो प्रोफाइल है, वो आपके यहाँ पर खुल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ऑनलाइन किया था फॉर्म, वो यहाँ पर खुल चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेलकम, यहाँ पर जिसका भी फॉर्म है यहाँ पर उसका नाम लिख कर आ जाएगा। ऊपर दोस्तों आपको वो एसएससी के जारी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा करना है, और आपको यहाँ पर एक मिलेगा कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैफ, यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म मिल रहा है आपको। दोस्तों आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, प्रिंट भी कर लिया। अगर आपको प्रिंट करना चाहिए तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन से। और दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो अभी पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अभी डेट है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आ जाना है एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ही दोस्तों आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन यानी फॉर्म का जो स्टेटस है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की स्टेटस देखिए, दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है। उसके बाद आपने जो सिग्नेचर और फोटो अपलोड किए हैं वो देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुके हैं प्रोविजनली, और अप्लाई फॉर्म भी दोस्तों आपने जो अप्लाई किया है वो भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है, और फीस का जो पेमेंट स्टेटस है वो फीस एक्सेप्टेड हो चुकी है, और आपका जो फॉर्म है, फॉर्म का स्टेटस वो भी एक्सेप्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपका अगर इस तरह से ये स्टेटस शो हो रहा है तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर किसी प्रकार की नॉट एक्सेप्टेड या किसी प्रकार की कोई त्रुटि दिख रही है तो आप अपने फॉर्म को भी संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से अपना पूरी डिटेल यहाँ से चेक कर लेनी है, और आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर का जो पैरा दिख रहा है, दोस्तों आपने जो अगर फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किए होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, और नोटिफिकेशन दिया हुआ सारा डिटेल मैं आपको भी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नोटिस जो दिया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों एसएससी का नोटिस है, जो कि एसएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है, और इसमें आपको ये पैरा 8 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक पैरा मिलेगा 8.2। दोस्तों आपको 8.2 में आपको सारी डिटेल यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के बारे में लिखी हुई है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो भी कलर पासपोर्ट है, फोटो है, वो JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हैं वो JPG फाइल में, कुछ लोग PNG फाइल में यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों आपको जो भी दिया हुआ है JPEG फॉर्मेट 20 से 50 KB में होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे एक और कंडीशन दी हुई है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ये आपका जो फोटो है वो 3 month से पुराना नहीं होना चाहिए, जिस दिन से ये एग्जाम को नोटिस दिया हो उससे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। एंड द डेट ऑन द पेज द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, उस पर लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपका जो फोटो है उस पर आपकी जो प्रिंटेड है डेट, जिस दिन आपने बनवाया था फोटो, जिस दिन आपने कलर करवाया था उसे, उस दिन की उस पर फोटोग्राफ पर डेट प्रिंट होनी चाहिए।
उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर दोस्तों आपका जो भी विदाउट फोटोग्राफ है उस पर बिना डेट जो भी आपने फ़ोटो जिस दिन खिंचवाया था जिस दिन बनवाया था उस दिन की डेट नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इमेज डिमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर एंड उसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्केच एंड द वॉट एयर शुड बी विजिबल। उसमें दोस्तों आपका चेहरा साफ और आपके कान और सब दोनों दिखने चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए, इस पैरा के हिसाब से आप अपना फोटो अपलोड कीजिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31/8/2021 और दोस्तों आपको इसी तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल Study95 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।